हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 6 की। अगर आपने इससे पहले के भी एपिसोड नहीं देखे और आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे उनको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ एपिसोड 6। एपिसोड 6 शुरू होता है, जोया अर्गन को किरीगन के पास लेकर जाती है। वहाँ उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता नहीं है सच सच बात, वो झूठ बोलने की कोशिश करता है। बट किरीगन इतना चालाक है और वहाँ इवान हार्टरेंडर और मतलब उनके सामने उसकी कुछ चलती नहीं है और वो सब धीरे धीरे उगल देता है। वो बताता है कि क्या है सीन है, जो जेस्पर के साथ उसने पार्टनरशिप की थी और वो ये भी बता देता है कि जलाटन के साथ भी उसने काम किया है। और वो उससे पूछता है कि कहीं नीना को भी गायब उसने तो नहीं किया, तो वो मना कर देता है कि नीना के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। तो अर्कन वहाँ किरीगन के साथ डील करने की कोशिश करता है, बट हाँ वो किरीगन से डील कर पाता और वो किरीगन उसे जान से मार देता है, खत्म। दूसरी तरफ दिखाते हैं अलीना अपनी पावर से उस ट्रंक में छुपी हुई थी कैरिज के अंदर, वो वहाँ पे निकलती है और जैसे ही निकलती है तो सामने कैस इनायत और जैस्पर खड़े होते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे और वहाँ पे अलीना अपनी पावर से कैस और जैस्पर को गिरा देती है और इनायत खड़ी रहती है, वो उसे जाने देती है। इनायत खुश थी कि चलो सनजमनर है, वो तो चाह ही रही थी ना कि सनजमनर उस फोर्ट को ख़त्म कर दे। फिर दिखाते हैं कि किरीगन को नीना की किडनैपिंग के बारे में पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि जलाटन ने धोखा दिया है और वो अब एक विच हंटर फियरदेन मथायस के पास है जिसने नीना को किडनैप कर रखा है, और वो फियरदेन को नीना को लेने भेज देता है। वहाँ पे जिस शिप में वो लोग थे नीना वगैरह, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था तो वो उनका पूरा शिप तबाह हो गया। बट नीना और मथायस एक दूसरे की हेल्प से बच जाते हैं। पहले तो वो लड़ते रहते हैं क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा था नहीं उन्हें, मगर फिर जान बचाने के लिए धीरे धीरे वो करके एक साथ हो ही जाते हैं। उधर दिखाते हैं कि ईस्ट टाउन राफका में एक स्ट्रीट वेंडर अलीना को शू हेरिटेज की वजह से परेशान करता है और वहाँ और कुछ सोल्जर वगैरह भी आ जाता है, वो भी उससे मतलब उनकी फाइटिंग वाइटिंग हो जाती है। वो वहाँ पे अलीना को पकड़ना चाह रहे थे बट अलीना वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो जंगल में पहुँच जाती है और उसे वहाँ जंगल में महल मिल जाता है जो उसका महल से ही उसको ट्रैक कर रहा था। और फिर वो उसकी मरहम पट्टी करती है क्योंकि महल की भी चोर बोर्ड थी। फिर उनमें काफ़ी सारे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो जाते हैं तो मैल उसे बताता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जनरल के साथ जैसे अलीना का था कुछ। फिर वहाँ पे अलीना और मैल, फिर मैल उसे माफ़ी मांगता है, वो कहता है कि पहले वो उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया था और अब उसे सब पता है। फिर वो कहते हैं अलीना से कि अब मैं तुम्हारे यहाँ पे बॉडीगार्ड बन के रहूँगा और तुम्हारी हमसे रक्षा करूँगा। फिर वो मैल को नॉर्थ में जाने के लिए कन्विंस करती क्योंकि उसे वो स्टैक चाहिए था अपनी पावर एम्पलीफाई करने के लिए। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। वो मैल को ये समझाती है कि अगर हम किरीगन से पहले, क्योंकि किरीगन भी उस स्टैक को लेने ही जाएगा और अगर वो उस स्टैक को लेगा तो वो अपनी पावर एम्पलीफाई करना चाहेगा, तब हम उसको बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उस स्टैक को ढूंढ लें और अपनी पावर को बढ़ा लें जिससे अलीना फोर्ट को नष्ट कर दें। तो वो दोनों भी फिर नॉर्थ के लिए निकल जाते हैं। उधर दिखाते हैं कि जोया और किरीगन, मतलब उनकी बातों से पता चलता है वो पहले से ही सेक्सुअली इन्वॉल्व थे और इसीलिए जोया उससे चिढ़ रही थी अलीना से, क्योंकि अभी तो किरीगन अलीना के लिए ही था और वो जोया की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर उधर किरीगन भी अपनी टीम लेके जोया पॉलिना डेविड वगैरह को लेके उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। कैज इनेज पर गुस्सा होता है कि उसने अलीना को भागने दिया और उसे वो डांटता भी है कि तुम ये क्या बिलीव कर रही हो कि वो रियल सनसमनर है, इस टाइप से करके उससे गुस्से में ये भी कह देता है कि उसने इनेज की फ्रीडम के लिए अपना क्लब भी गिरवी रख दिया। और वो ऐसे ही चल ही रहा था उनकी बातें तो वहाँ पे उन पर फिर हमला हो जाता है जहाँ पे इनेज पोलिना को मार देती है और जेस पर इवान को गोली से मार देता है। बट उसने ब्लड प्रूफ काफ्ता पहना हुआ था तो वो पूरी तरीके से नहीं मरता और क्योंकि वहाँ पे एक बच्चा देख रहा था जैस्पर खुद, तो जैस्पर उसे छोड़ देता है। उधर किरीगन और कैस का फेस ऑफ भी हो जाता है, दोनों आमने सामने हो जाते हैं, जो उसे बताता है कि अलीना को हमने किडनैप नहीं किया है, वो खुद ही वहाँ से भाग रही थी और फिर वो एक एक्सप्लोजन करके वहाँ से भाग जाता है।
कैज इनेज और जैस्पर एक साथ मिल जाते हैं, वो डेविड का कैरेज लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो दिखाता है नीना और मैथायस भी एक किनारे पे आ गए थे, बट उनकी नोकझोंक अभी भी बंद नहीं हुई थी और वो एक दोनों ही खड्ड में पहुँच जाते हैं। फिर उनका धीरे धीरे उनका रोमांस भी दिखा रहे हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो नीना मैथायस की हेल्प करती है उसे गर्म रखने में, और फिर रास्ते में मैथायस भी नीना की जान बचा लेता है और फिर वो उसे कॉन्फेस भी कर देता है कि वो नीना को पसंद करता है। और फिर उधर डेविड क्रीगन को बताता है कि वो अलीना को ढूंढ सकता है एक रिंग की हेल्प से जो जीनिया ने उसे दी थी। क्रीगन को वो वाले सोल्जर्स मिल जाते हैं जिन्होंने अलीना को परेशान किया था और अलीना जिनकी वजह से जंगल में भाग गई थी। तो वो उसे बताते हैं कि वो नॉर्थ के जंगलों में चली गई है और एक ट्रैकर भी उसके साथ है। जनरल समझ जाता है कि उसके साथ मैली होकर वो स्टैक को ढूंढ रही है। बस यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।